तो दोस्तों भगत ताराचंद की ये दाल फ्राई खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इसके लिए काफी पैसे खर्च करते हैं। ये बटर वाली दाल काफी रिच होती है और आपको मैं बताऊंगा भगत ताराचंद की इस दाल फ्राई की पूरी रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। तो भगत ताराचंद की दाल फ्राई बनाने के लिए हमने ये कुकर लिया है, एकदम सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, ये ऑयल गर्म होता है, तब तक मैं आपको सामग्री समझा दूं। ये है येलो दाल, मुझे 3-4 लोगों के लिए बनानी है, तो एक छोटी कटोरी येलो दाल है, उसको मैंने भिगो लिया। ये मूंग की दाल है, पीली दाल, तो हमें यही दाल चाहिए। उसके अलावा इस दाल में जाएगा लहसुन, यह है हरी मिर्च, जीरे का तड़का, थोड़ी सी हल्दी, और उसके अलावा थोड़ा सा नमक। है ना सिंपल, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसका मेन है तड़का। तड़के के लिए हमें ये जो प्याज जो है ना फ्राई करके रखने पड़ते हैं, हमें फ्राइड प्याज यूज करने, इसको बोलते हैं बिरिस्ता। तो भगत ताराचंद की दाल में सबसे बड़ी खासियत होती है इन प्याज की, ये प्याज जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में फ्राई करके रखते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे इस दौरान तेल हो चुका है गरम, तो अब हम इसमें जीरा डाल लेंगे। तो इसमें सिंपल जीरे का तड़का लगता है, जीरा तड़क गया, अब इसमें हमें मिर्ची और लहसुन को डाल देना है। इसका जो तरीका है वो एकदम सिंपल है, लेकिन टेस्ट वाकई लाजवाब है। जीरा रेडी हो गया, अभी इसमें हमें वाटर डालना है। ये स्टेप आप याद रखें। पूरा तड़का रेडी है, पानी डाल लिया, पानी में डालनी है थोड़ी सी हल्दी, हल्दी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसमें और कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा सा नमक, ये लगभग 1 टीस्पून नमक जो है मैं डाल देता हूं। तो ये पानी गर्म हो गया छौकेगा, अब हमें इसमें दाल डाल देनी है। तो अब हम कुछ नहीं करना है, सिंपली 3 सीटी आने तक इस दाल को उबाल लेना है। तो मैं ढक्कन लगा देता हूं कुकर का। और 3 सीटी आने का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों दाल को हमने 3 सीटी लगा ली थी और हमने गैस बंद कर दिया है, कुकर पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब हम दाल का हाल देख लेते हैं। परफेक्ट, वही कलर वही टेक्सचर, लेकिन ये इतनी गाढ़ी दाल नहीं लगेगी। इस तरह से वो बेस रेडी करके रख लेते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, साधारण सी बात है, घर वाला एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें हम गर्म पानी करके डाल देंगे, जितना चाहिए वैसी हम कंसिस्टेंसी इसकी कर लेंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो फिलहाल दाल की आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी आप बना लो, मुझे लगभग ऐसी दाल चाहिए। ओके, यही है परफेक्ट, ये कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। तो हम तड़का तैयार कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूंगा ताकि बटर नहीं जले,
काफी रिच तड़का तैयार होगा इसका। इसमें मैं ऐड करूंगा बटर, देख लीजिए कितनी मात्रा में मैं बटर डाल रहा हूँ। इस बटर में अब जाएंगे फ्राइड अनियन। ये बटर में जब फ्राई होते हैं ना तो और खास हो जाते हैं। लास्ट में जाएगा मिर्ची पाउडर, ये हो गया। तड़का भगत तारा चंद की दाल का इस तड़के को ये है असली मायनों में भगत तारा चंद की दाल। इसको सेटल ऐसे किया जाता है इसके साथ।